नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार उत्तर प्रदेश राजीव टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज हम लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु सुशासन पर अध्ययन करेंगे, जिससे विषय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को लाभ होगा। तो आइए जानते हैं सुशासन के बारे में कि सुशासन क्या है। सुशासन शासन का ही बेहतर रूप है। सु का अर्थ होता है, देखिए, सु उपसर्ग शासन में जोड़ने पर सुशासन शब्द का रूप बनता है। जैसे ये शासन है, शासन को अगर यहाँ पे सु ये उपसर्ग के रूप में अगर जोड़ देंगे तो सुशासन बन जाएगा। सुशासन का अर्थ होता है बेहतर तरीके से शासन करना, बेहतर तरीके से शासन करना, या हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से शासन करना। सुशासन शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम विश्व बैंक द्वारा 1989 में किया गया, जबकि भारत में इसका प्रयोग 1990 के दशक के बाद प्रारंभ हुआ। हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, उन्होंने भी सुशासन की संकल्पना स्वराज्य या रामराज्य के माध्यम से दी, स्वराज्य या रामराज्य के माध्यम से प्रदान की। तो स्वराज्य और रामराज्य क्या है, देखिए, शासन में जैसे महात्मा गांधी के बारे में बता रहे हैं कि स्वराज्य, स्वराज्य / रामराज्य, तो एक ऐसे राज्य की कल्पना की महात्मा गांधी जी ने, स्वराज्य या रामराज्य, जिसमें ऐसा शासन हो कि व्यक्ति किसी प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या नैतिक किसी प्रकार से प्रभावित ना हो, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के साधन उपलब्ध हो और पढ़ने के लिए विद्यालय हो, रहने के लिए आवास हो, जहाँ पे पूर्ण रूप से व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन यापन करता हो। तो ऐसे राज्य की कल्पना हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने की। अगर इसके अतिरिक्त देखा जाए कि भाई सुशासन ये कोई वर्तमान परिकल्पना तो है नहीं, इससे पूर्व भी हमारे जो महान विद्वान या महान जो विचारक हुए हैं, कौटिल्य ने भी इसके बारे में अपनी कल्पना दी है। कौटिल्य ने भी अच्छे शासन या सुशासन की कल्पना के बारे में बताया है कि भाई अच्छा शासन क्या होता है और उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो हम सुशासन में कौटिल्य के शासन के बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने अच्छे शासन के लिए क्या क्या विशेषताएँ बताई हैं। तो जानते हैं, आइए, तो आइए बताते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में कि उन्होंने एक अच्छे राज्य की जो कल्पना की थी उसमें सप्तांग सिद्धांत दिया था कि अच्छे राज्य के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं और उनके अभाव में हम एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे नंबर एक में उन्होंने बताया था स्वामी कि भाई एक अच्छे राज्य के लिए सबसे पहले एक अच्छा राजा जो चरित्रवान, नैतिक और प्रशासन में दक्ष, युद्ध कला में दक्ष हो, तो ऐसे राजा की ज़रूरत है। बिना इसके हम एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य का पतन हो जाएगा। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि अमात्य या मंत्री, तो मंत्री की राजा अकेला पूरे राज्य का शासन सही से नहीं देख सकता, तो उसकी सहायता के लिए, उसकी सहयोगी के लिए अमात्य या मंत्री की व्यवस्था की गई है कि उसके कार्यों में जो सहभागिता निभाएगा कि ये काम ऐसे करना है, यहाँ करना है, पूरे शासन व्यवस्था को देखना है और कौन कौन राज्य में किस प्रकार राज्य के प्रति सोचते हैं, राजा के प्रति आलोचना या समालोचना जो भी विचार करते हैं वो राजा को उनसे अवगत कराएगा और शासन व्यवस्था देखेगा। तीसरे नंबर पर आता है जनपद। अब जनपद जो बनाया है उन्होंने कि राज्य में जनपद की समस्त राज्य को एक जगह बैठ के शासन नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने जनपद के माध्यम से समस्त राज्य को बांट लिया कि भाई यहाँ का शासन इनको दे दिया, वहाँ का उनको दे दिया, जिससे सभी राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, जिसमें कहीं उपद्रव न हो। मान लीजिए कि एक बड़ा राज्य है ये और राजा एक तरफ बैठ के यहाँ किला बना लेता है और यहाँ रहता है, तो बाकी जो दूसरा छोर है इधर या दूसरा ये क्षेत्र है तो वहाँ उसके विद्रोह होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा है कि भाई समस्त राज्य को अपने नियंत्रण में रहने के लिए उसको भागों में विभाजित किया जाता है। चौथे नंबर पर उन्होंने बताया है दुर्ग, कि दुर्ग, भाई दुर्गों का निर्माण भी इसलिए ज़रूरी है कि रक्षा के लिए, और दुर्ग समस्त राज्य में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ हमने बना लिए तो यहाँ बैठकर हम पूरे समस्त राज्य को नहीं देख सकते, तो राजा को कभी यहाँ से दूसरे
छोर को संचालन के लिए, दूसरे क्षेत्र के संचालन के लिए वहाँ भी दुर्ग का निर्माण हो, जिससे वहाँ भी हम अपनी जनता को देख सकें कि वो हमारे राज्य के प्रति जिम्मेदार है या विद्रोह करने के लिए तत्पर तो नहीं है। तो दुर्गों का निर्माण होना भी बहुत जरूरी है। पांचवें नंबर पर उन्होंने बताया था कौटिल्य जी ने कि कोष, देखिए कोष के अभाव में एक अच्छे शासन की कल्पना हम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास कोष नहीं होगा तो हम सैनिकों को कहाँ से नौकरी देंगे, उनके लिए हथियार कहाँ से खरीदेंगे, और अच्छे युद्ध कला के कौशल, रहने का आवास, उनको शिक्षित करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोष के अभाव में हम बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए एक अच्छे राज्य के लिए कोष का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर छः पे बताया उन्होंने मित्र। देखिए राज्य के लिए मित्रता का भी होना बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए एक राज्य से हमारे संबंध अच्छे नहीं है, अचानक अगर वो हम पे युद्ध करता है तो हम अपनी सहायता के लिए अपने मित्र को पुकार सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं कि हमें तत्काल आपकी सहायता की ज़रूरत है। तो इसलिए एक अच्छे राज्य के लिए मित्र का होना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर सात पे बताया दंड। देखिए दंड का जो प्रावधान है वो सुशासन के लिए बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि दंड के अभाव में हम एक अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते सुशासन की, क्योंकि अगर दंड नहीं होगा तो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों से विमुख हो जाएगा और वो गलत कार्य करने लगेगा। इसलिए समाज में शासन संचालन सुचारू रूप से चल सके उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि भाई दंड होगा तो व्यक्ति अपनी नैतिकता, अपने कर्तव्यों को सही प्रकार से करेगा, अन्यथा अगर दंड नहीं होगा तो व्यक्ति समाज में अपने कर्तव्य भी नहीं करेगा और दूसरे लोगों को इससे परेशान करेगा। इसलिए दंड का होना राज्य की व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है। और ये सप्तांग सिद्धांत हमारे जो महान विचारक कौटिल्य जी ने दिया, ये भी सुशासन का प्राचीनतम रूप है, लेकिन वर्तमान में इसके कुछ परिवर्तन हुआ है जो हम बताएंगे आपको आगे। ये सप्तांग सिद्धांत हो गया। अब सुशासन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगी सुशासन क्या है, तो वो हम एक अच्छे राज्य की कल्पना से लगाएंगे या अच्छे शासन के कल्पना से, जिसमें हम व्यक्तियों के लिए नैतिकता, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम उनके लिए प्रोवाइड कराएंगे कि भाई ये अच्छे शासन या गुड गवर्नेंस में आ सकता है। ये गुड गवर्नेंस में अच्छे शासन के लिए जैसे इन्होंने बताया कि भाई ये सप्तांग सिद्धांत हो गया, इसके ये राज्य हो गए और इसके ये अंग थे साथ के अच्छे राज्य के लिए हो गए। लेकिन इसी प्रकार एक अच्छे राज्य की कल्पना करने के लिए हम कह सकते हैं सुशासन में भ्रष्टाचार विहीन, और कह सकते हैं हम कि ये लाल फीताशाही विहीन, जब ये दोनों चीज़ों को ख़त्म कर देंगे तब हम एक स्मार्ट शासन को पा सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं। स्मार्ट जैसे SMART, अच्छे राज्य की कल्पना कर सकते हैं। एस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिंपल, सिंपल मतलब साधारण। दूसरा आ जाएगा एम से मोरल, मोरल मतलब नैतिक। ए से अकाउंटेबल, उत्तरदायी। आर से आ जाएगा रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी योग्य। और टी से आ जाएगा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो इसमें बताया कि देखिए सुशासन जो है, अगर अच्छा शासन होगा, स्मार्ट शासन होगा, तो स्मार्ट के ये बताएं कि इसमें सबसे पहले सिंपल मतलब साधारण होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि इसमें कानून या नियम इतने सख्त हों कि जिससे एक व्यक्ति प्रभावित हो और किसी व्यक्ति विशेष का भला हो, इसमें लचीला शासन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसमें बताया है मोरल, नैतिक। देखिए अच्छे शासन के लिए नैतिकता का होना भी बहुत ज़रूरी बताया है कि शासन जब तक स्मार्ट नहीं होगा, जब तक उसमें नैतिक ना हो, व्यक्ति अपने नैतिकता या नैतिक मूल्यों को जब तक उसमें नहीं निभा पाता है।
तीसरा इन्होंने बताया अकाउंटेबल उत्तरदायी। देखिए इसमें शासन उत्तरदायी होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर उत्तरदायी नहीं होगा, मान लीजिए संसदीय प्रणाली है, तो उसमें हम भारत एक लोकतंत्र देश है, तो इसमें जो शासन प्रणाली है वो उत्तरदायी है कि जनता को अच्छे शासन उपलब्ध कराए और रक्षा उपलब्ध कराए, इनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराए। तो ये सारी चीज़ें इसमें, अगर ये नहीं होगा तो हम एक अच्छे शासन की परिकल्पना नहीं कर सकते। और चौथे नंबर पर आता है रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी योग्य। देखिए कोई काम हम करते हैं कि यहाँ जो जनता रह रही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें और उनके लिए रोज़गार के साधन मुहैया कराएं, पढ़ने के लिए विद्यालय, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, आवागमन के लिए ट्रेवल, तो ये सारी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल में आती हैं। तीसरा आता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। देखिए शासन कोई भी हो, चाहे वो लोकतंत्र हो या अधिनायक तंत्र हो, तो वो एक अच्छे शासन जब तक नहीं माना जा सकता जब तक उसमें पारदर्शिता ना हो, क्योंकि शासन में क्या हो रहा है। और व्यक्ति, मान लीजिए हमारे जो क्षेत्र में सांसद या विधायक चुने जाते हैं, तो उनको क्या क्या काम मिला है और कितनी धनराशि उनको काम कराने के लिए आवंटित की गई है, और उन्होंने उस धनराशि में से कितना काम कराया है, कितनी धनराशि, तो ये सब चीज़ें पारदर्शिता होगी तो लोग, भ्रष्टाचार कम होगा। तो इसलिए एक अच्छे शासन के लिए पारदर्शी शासन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब जानते हैं सुशासन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, सुशासन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले आता है कि भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी। देखिए भ्रष्टाचार का जब बढ़ोतरी होती है, तो उसको कम करने के लिए सुशासन की आवश्यकता पड़ी। मान लीजिए व्यक्ति में जब तक नैतिकता नहीं होगी या नैतिक मूल्य नहीं होंगे, तो वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहेगा। तो इसलिए उसमें नैतिक मूल्यों को विकास करने के लिए, उभारने के लिए सुशासन जरूरी है। और जिससे नैतिक मूल्यों का निखार हो जाएगा, तो वो भ्रष्टाचार के प्रति अपने जो लड़ाई है वो शुरू कर देगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। दूसरा होता है कि विकास योजनाओं का आम आदमी तक नहीं पहुंचना। देखिए आजकल जो सरकार योजनाएं चलाती हैं व्यक्तियों के लिए, अपनी जनता के लिए, कि गरीब लोगों के लिए कि ये योजनाएं, जिससे शिक्षा से रिलेटिव हो, उनके सामाजिक विकास से रिलेटिव हो, या आर्थिक विकास से रिलेटिव हो, या जीवन से संबंधित और बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो उनके लिए लाभप्रद हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये शासन में भ्रष्टाचार के वजह से उनको जिस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए वहां वास्तविक रूप से नहीं पहुंच पाती हैं, और वो बीच में ही दबकर रह जाती हैं, जिससे कि जनता का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो सुशासन इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जनता का विकास होगा। भाई जब योजनाएँ हम चलाएँगे तो उन्हें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना ये शासन का काम है, और जब प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचेंगी तो उससे जनता का विकास होगा, जिसमें आर्थिक विकास होगा, शैक्षिक विकास होगा, और देश जो एक विकासशील देश है वो फिर एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। तो इसलिए सुशासन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है एक अच्छे शासन के लिए, जिसमें सभी व्यक्तियों का विकास हो, किसी व्यक्ति विशेष का न लेकर, और जिसमें सभी व्यक्तियों की सहभागिता हो, तो ये सुशासन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अब आते हैं हम कि जो सुशासन के आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको जानते हैं कि सुशासन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कि जब हम कहेंगे कि भाई सुशासन है, जब तक वो नहीं होगा, ये तत्व नहीं होंगे, तब तक हम नहीं कह सकते कि शासन में सुशासन है। तो उसके लिए सबसे पहले आएगा एक विधि का शासन, सुशासन के तत्व। नंबर एक पे आता है विधि का शासन। ये देखिए विधि का शासन, ये सुशासन, जब तक हम किसी भी शासन को नहीं मान सकते जब तक उसमें इन तत्वों का समावेश ना हो। नंबर एक पे आ गया विधि का शासन। देखिए कोई भी शासन हो, चाहे वो राज्य में हो या देश में हो, जब तक उसमें विधि का शासन ना होगा, मतलब कानून का शासन नहीं होगा, तब तक हम उसे सुशासन का रूप नहीं मान सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए कानून नहीं होगा, तो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुकर जाएगा, और लोग एक दूसरे पे जो संपत्ति है उसको छीनेंगे, और इसके अतिरिक्त विधि का शासन नहीं होगा तो व्यक्ति का जो विकास है वो भी रुक जाएगा, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर वो कार्य करेगा जो उसे नहीं करने चाहिए। इसलिए कानून का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे व्यक्ति
एक क्रमबद्ध तरीके से जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, कानून का जो शासन है उसके ध्यान में रखते हुए वो काम करेगा। तो इसलिए विधि के शासन का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो जापान हो, अमेरिका हो, चाहे भारत हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो। जहाँ कानून नहीं होगा तो वहाँ पे जीवन यापन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जीवन को चलाने के लिए और अच्छे जीवन के लिए कानून का होना बहुत जरूरी है। नंबर दो पे आता है समानता एवं समावेशन। ये आ गया समानता एवं समावेशन। तो ये समानता दूसरा जो तत्व है इसमें सुशासन में, समानता। जब तक शासन में प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं होगा हम एक अच्छे शासन की कल्पना नहीं कर सकते। सुशासन के लिए बहुत जरूरी है कि वे सभी व्यक्तियों को समान अधिकार हों, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के हों, आर्थिक रूप से हों, चाहे सामाजिक रूप से हों या राजनीतिक रूप से हों। तो जब भी व्यक्ति अपना पूर्ण रूप से विकास कर सकता है, मान लीजिए शैक्षिक अगर शिक्षण संस्थान है तो उसमें जब तक हम सब लोगों को पढ़ने का समान अधिकार नहीं देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं कोई समाज का एक वर्ग अगर उससे अछूता रह जाता है, वो उससे वंचित रह जाता है, तो हम एक सुखी एवं संपन्न समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार राजनीति में भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज को या प्रत्येक समूह को समान लाने के लिए सभी लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो हम समानता की बात कर रहे हैं इसमें, अब ये आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, शैक्षिक हो गया, ये सभी समानताएं बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सामाजिक समानता जिसमें आवागमन की समानता और साथ रहने की, कहीं भी घूमने फिरने की, बहुत सारी ये बातें हैं जो कहीं ना कहीं शासन को प्रभावित करती हैं। तो एक अच्छे शासन के लिए समानता और समावेशन का होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर आता है भागीदारी। भागीदारी देखिए सुशासन में भागीदारी होना भी बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए किसी एक वर्ग का ही अगर प्रतिनिधित्व रहता है उसमें शासन में तो दूसरा वर्ग उससे असंतुष्ट हो जाएगा और वो अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं रहेगा, वो गलत कार्यों की तरफ अग्रसर हो जाएगा। इसलिए शासन में सभी वर्ग की भागीदारी होना सुनिश्चित है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा शासन चला रहा है, हम भारत की ही बात कर रहे हैं, अगर किसी संप्रदाय का संसद में या विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका भागीदारी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को मान लेते हैं, चाहे शासन अच्छा क्यों ना चल रहा हो, कि यार इसमें हमारा तो कोई भागीदारी नहीं है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से लोगों में निरंकुशता पैदा हो जाती है। तो प्रत्येक वर्ग की भागीदारी होना भी सुनिश्चित है और तभी हम एक अच्छे शासन की कल्पना कर सकते हैं। बिना भागीदारी के, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी जाति, सभी की भागीदारी होना सुनिश्चित है, तभी हम सुशासन की कल्पना कर सकते हैं। चौथा आता है इसमें प्रभावशीलता की क्षमता। प्रभावशीलता की क्षमता यह है फोर्थ नंबर। प्रभावशीलता की क्षमता देखिए शासन कोई भी हो जब तक वो प्रभावशाली नहीं होता है तो वो अच्छा शासन नहीं कहलाया जा सकता। लोकतंत्र हो या अधिनायक तंत्र, जो जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता हो, अब प्रभावित करने का मतलब है सकारात्मक रूप में, ना कि नकारात्मक, कि उसमें अच्छे विद्यालय हो, अच्छे शिक्षण संस्थान हो, उनके रहने की व्यवस्था अच्छी हो, रोजगार के साधन अच्छे हों, सभी लोगों को लगे कि भाई ये वास्तविक रूप से सही है और सभी व्यक्ति सुखपूर्ण जीवन यापन करने में सक्षम हो, तो वहाँ हम वो प्रभावशाली है। तो ऐसे शासन को हम सुशासन की कल्पना कर सकते हैं। और ऐसे शासन में विद्रोह या इसके अपोजिट, अगेंस्ट जाने वालों की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो प्रभावशीलता होना भी एक अच्छे शासन की जरूरी है, अच्छे शासन के लिए। और इसके अतिरिक्त अब आता है पारदर्शिता, छठे नंबर पे, सॉरी 5 नंबर पे आता है अपना प्रभावशीलता, वो पारदर्शिता। पारदर्शिता देखिए पारदर्शिता का हमने बताया था, इसका पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि पारदर्शिता किस चीज में होना जरूरी है, कि
शासन में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं तो उनमें पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कोई योजना विधायक या सांसद निधि से और अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए आती है, या ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राम प्रधान होती हैं उनके माध्यम से जो भी योजनाएं आती हैं, तो उसमें एक निश्चित धनराशि आवंटित की जाती है कि भाई ये 1 करोड़ की योजना है, इसमें इतनी सड़क पड़नी है, 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, और इतने लोगों को आप रोज़गार देंगे। तो अगर मान लीजिए उसमें पारदर्शिता होगी तो उसमें करप्शन होना बहुत कम चांस बनेंगे, क्योंकि सभी लोग उसमें देख लेंगे कि भाई इतनी योजना है, इतना पैसा आवंटित हुआ है और इतना काम भी होना है, तो उसमें जो करप्शन करने वाला होगा वो कहीं ना कहीं उसमें अपने आप को सक्षम नहीं पाएगा। तो इसलिए शासन में पारदर्शिता होना भी जरूरी है। और आजकल वैसे भी देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम और बहुत सारे ऐसे अधिनियम चल रहे हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमसे उस चीज़ की सूचना मांग सकता है, तो ये शासन में पारदर्शिता होती है, ये भी सुशासन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे हम अच्छे शासन की ओर जा रहे हैं, या कल्पना कर सकते हैं कि हम एक ऐसे शासन की ओर बढ़ रहे हैं जो जिम्मेदारी योग्य है। नंबर 6 पे आता है उत्तरदायित्व। उत्तरदायी शासन, देखिए उत्तरदायी शासन है कि अगर मान लीजिए यहाँ की जो जनता हमारे देश की, वो रहने से लेके पढ़ने से लेके रक्षा से लेके सभी चीज़ की जिम्मेदारी जो हमारी यहाँ की सरकार है उनके ऊपर होती है कि मान लीजिए हम यहाँ रह रहे हैं तो ये उनका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करे, जिम्मेदारी योग्य शासन, और हमारे लिए रहने के लिए आवास मुहैया कराए, हमारे लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, पढ़ने के लिए विद्यालय उपलब्ध कराए, तो ये उत्तरदायी शासन हो जाएगा। क्योंकि मतलब तानाशाही या हम करें अधिनायक तंत्र की बात तो वो इसके जस्ट अपोजिट होता है, उसमें ऐसी कोई उत्तरदायी शासन नहीं होता है, लेकिन हम भारतवासी हैं तो भारत देश में उत्तरदायी शासन की स्थापना है कि यहाँ लोकतंत्रीय संसदीय शासन प्रणाली है और यहाँ पे ये उत्तरदायी शासन प्रणाली है। तो उत्तरदायी भी एक सुशासन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। नंबर 7 पर आता है निष्पक्ष आकलन। निष्पक्ष आकलन का होना भी बहुत जरूरी है। देखिए अगर निष्पक्ष आकलन नहीं होगा तो हम एक अच्छे शासन की कल्पना नहीं कर सकते। निष्पक्ष आकलन, निष्पक्ष आकलन का मतलब है न्याय से। देखिए आप मान लीजिए समाज में जब सभी व्यक्ति रहते हैं तो उसमें विवाद झगड़े ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इनको निष्पक्ष रखकर व्यक्ति को आकलन करना चाहिए कि किसी जाति विशेष या संप्रदाय विशेष को ना ध्यान में रखकर ऐसी चीज़ों का आकलन करना चाहिए कि भाई ये इन्होंने अगर अपराध किया है तो इनके लिए सजा होनी चाहिए, या सरकार ने कोई योजनाएं चलाई हैं तो व्यक्ति उसमें अगर आकलन करते हैं तो उसकी कमियों को सिर्फ उजागर करने के लिए कमी की दृष्टि से देखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो शासन में लोग होते हैं तो वो अपनी कमियों को भी और कमी ना बताकर अच्छाइयों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जहां आकलन वो निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, जो व्यक्ति है जनता है और जिन्होंने वोट दिया अपने प्रतिनिधि चुने हैं तो उनको ये अधिकार है कि भाई जो शासन में व्यक्ति बैठे हैं संसद में कि ये गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उनका आकलन किसी जातिवाद पर ना होकर या किसी जाति विशेष या धर्म पर आधारित ना होकर निष्पक्ष होना चाहिए कि भाई इनको ये योजना चलाई गई है तो ये योजना में इस व्यक्ति को जोड़ने से या इस परिभाषा को जोड़ने से हो सकता है कि 4 लोगों को और उद्धार हो जाए। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी ना करते हुए अपनी बात को रखना चाहिए और निष्पक्ष आकलन करना चाहिए कि भाई ये इन्होंने किया अच्छा है, चाहे वो पार्टी का हो या विपक्ष का हो, अगर गलत किया है तो उसको गलत कहा जाना चाहिए कि गलत किया है उन्होंने। तो निष्पक्ष आकलन भी एक सुशासन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद आते हैं हम संवेदनशील, नंबर 8 पर संवेदनशील। देखिए संवेदनशील होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में सभी व्यक्ति रहते हैं और सभी की देखिए सोच अलग अलग होती है, चाहे वो शिक्षित हो। अब मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि समाज में जैसे सभी अपने अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, कोई भी हो चाहे, तो वो
इसमें आकलन करते हैं कि ये सही है या नहीं है, और शिक्षित अशिक्षित और क्या कहते हैं धन धनवान और धन विहीन, सभी लोग अपनी अपनी राय देते हैं, और स्त्री और पुरुष जो भी हैं समाज में जितने भी व्यक्ति रहते हैं। लेकिन समाज में जब सब लोग अपनी विचार देंगे तो सरकार उनको ध्यान में रखकर, सभी लोगों की व्यक्ति विशेष को ना रखकर, सभी को ध्यान में रखकर कार्य करने चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए कि यहाँ इन्होंने ये कहा है तो उसको चिंतन करना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति को ना, लेकिन जो ठीक है उस पर चिंतन करके उसको लागू करना चाहिए, जिससे व्यक्तियों को लगे कि सरकार हमारे प्रति चिंतनशील है, कि जो बात हम कहना चाहते हैं जनता के द्वारा वो शासन उसको समझे। इसके अतिरिक्त अब आता है 9वें नंबर पे प्रतिनिध्यात्मक। प्रतिनिध्यात्मक में होता है जैसे ये प्रतिनिध्यात्मक, देखिए सुशासन में ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतिनिध्यात्मक। प्रतिनिध्यात्मक का मतलब है कि मान लीजिए हमने जो अपना प्रतिनिधि चुना है, मान लीजिए हम किसी विधानसभा या सांसद क्षेत्र से हम संबंधित हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है कि हमारे एक व्यक्ति से ही सांसद चुन जाएगा या विधानसभा में एक विधायक चुन जाएगा हमारे विधायक क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से। उसमें सभी व्यक्तियों की हिस्सेदारी होती है, चाहे वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, सभी का। तो वहाँ अमीर गरीब जितने भी हैं सभी लोगों का उसमें होता है। तो देखिए कोई अमीर व्यक्ति है तो अगर वो सांसद चुनता है तो उसमें अच्छाइयाँ कुछ अलग हिसाब से देखी जाती हैं, गरीब का मतलब कुछ और होता है, वो अच्छाइयाँ को अपने हिसाब से देखता है, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है शिक्षित वो अपने हिसाब से देखता है कि ये अच्छाइयाँ, अनपढ़ जो व्यक्ति है वो अच्छाइयाँ वो अपने हिसाब से देखता है, और पुरुष अपने हिसाब से देखता है, महिलाएं अपने हिसाब, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अपने हिसाब से उस चीज़ को देखती हैं कि भाई ये ठीक है, लेकिन वो अपना एक प्रतिनिधि चुन के संसद भेजती है ताकि उनके क्षेत्र का उनकी जो बात है उसको संसद में रख सके। तो इसलिए प्रतिनिधि होना भी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो हम अपनी आवाज़ संसद तक कैसे पहुंचाएंगे, या जो हमारे क्षेत्र में बुराइयां आई हैं, जो कमियां हैं उनको कैसे उजागर करेंगे। इसलिए प्रतिनिध्यात्मक होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सुशासन के आवश्यक तत्व थे कि नौ, इनको हमने बताया कि भाई जब तक ये तत्व नहीं होंगे तब तक हम ए सुशासन की कल्पना नहीं कर सकते। अब आते हैं कि सुशासन के समस्त चुनौतियाँ, कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं सुशासन के समक्ष, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सुशासन के समक्ष चुनौतियाँ, देखिए सुशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। नंबर एक आता है नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप। नंबर एक पर आ जाएगा नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप। देखिए सुशासन के समक्ष जो चुनौतियां हैं उसमें आता है एक नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप। नकारात्मक का मतलब है कि जो नेगेटिव सोचते हैं हमेशा, अगर मान लीजिए शासन द्वारा कोई योजनाएं चलाई गई तो व्यक्तियों का ये काम होता है उन लोगों का कि उसके प्रति हमेशा वो सकारात्मक ना सोच के उसकी नकारात्मक दृष्टि से उसको सोचते हैं कि भाई समाज में इससे ये अहित होगा, ये समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जिससे एक जो अशिक्षित जनसमूह है उनके संपर्क में आकर शासन के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और शासन को परेशानियाँ होती हैं। तो ये नकारात्मक हस्तक्षेप भी सुशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सामाजिक या धार्मिक जो भी होता है उसके नाम पर जो बिना पढ़े लिखे अशिक्षित व्यक्तियों को संगठित कर विद्रोह कर देते हैं, जिससे शासन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और जगह जगह भारत में तो ये अक्सर देखा जाता है कि शिक्षितता का अभाव है, शिक्षित लोग नहीं है तो उनको समझना तो होता नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, बस उनको हमेशा विपक्ष में या विरोध में ही जाना है उनको बिना सोचे समझे। तो इसलिए नकारात्मक राजनीतिक हस्तक्षेप ये भी बहुत बड़ी चुनौती है। नंबर दो पर आता है त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया। ये आ गया त्रुटिपूर्ण
प्रशासनिक प्रक्रिया। देखिए त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया का मतलब है, या हम लगाएंगे कि मान लीजिए भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई एक जो सरकार पिछले 10 साल में शासन कर रही थी वो ही आज हो। यहाँ पे जनता का जनमत होता है, उसके आधार पर उसको परिवर्तन किया जाता है। तो मान लीजिए किसी पिछली सरकार ने कोई अच्छी योजनाएं चलाई, तो भारत में अक्सर ये देखा जाता है, विदेशों में तो नहीं, केवल हम भारत की बात करेंगे, कि जैसे ही दूसरी सरकार आएगी, चाहे वो योजना अच्छी क्यों ना हो, कितनी लाभकारी क्यों ना हो, आते वक्त तुरंत उनको बंद कर दिया जाएगा, जिससे देश के लिए बहुत बड़ी जनधन की हानि होती है, प्लस समाज भी उससे प्रभावित होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई जो योजना लाभकारी हो, चाहे वो विपक्ष ने चलाई या पक्ष ने चलाई, उनको निरंतर चलने दिया जाए, ऐसा यहाँ पे थोड़ा देखा जाता है। तो इन प्रक्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाए, उनमें भी सुधार की आवश्यकता है, कि भाई इन चीज़ों को शासन और विपक्ष में दोनों में चिंतन की आवश्यकता है, सोचा जाना चाहिए कि ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, जिससे समाज का हित ना हो किसी राजनीतिक पार्टी के हस्तक्षेप के कारण। तीसरा इसमें आता है दलालों की भूमिका, हम कह सकते हैं। दलालों की भूमिका, देखिए दलाल तो ये शब्द जो है भारतीय है, कह सकते हैं कि भारत में कुछ ज़्यादा प्रचलन में है आजकल। तो देखिए अगर हम चुनाव की बात करें, चाहे वो ग्राम प्रधान से लेके सांसद विधायक, और ये जो सभी चुनाव हैं उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की भूमिका हमें दिखाई देती है। अब ग्राम प्रधान में जाएंगे तो वहाँ दो चार लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे, बीच वाले जिनको दलाल बोला जाता है, कि वो पैसा कलेक्ट करके कुछ लोगों का समूह अपनी तरफ कलेक्ट कर लेंगे और दूसरे लोगों को प्रभावित करेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो उसको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे लोगों की हमारे यहाँ भूमिका को कहीं ना समाप्त किया जाए, क्योंकि ये शासन के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक होते हैं, और जो अच्छाइयाँ होती हैं उनको बुराइयों में कन्वर्ट करके ये लोग गिनाते हैं, और बुरे लोगों को शासन में शासन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे लोगों को दरकरार करने की आवश्यकता है, जिससे कि एक अच्छे शासन की कल्पना की जा सके। तीसरा इसमें, अब ये हो गए तीन, चौथे नंबर पे इसमें आ जाएगा कि अभिजात वर्गीय नौकरशाही, अभिजातीय वर्गीय नौकरशाही। अभिजातीय वर्गीय नौकरशाही के मतलब कि किसी एक वर्ग का शासन पर कब्जा नहीं होना चाहिए। देखिए भारत लोकतंत्र देश है, और कह सकते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों का संकलन है, विभिन्न जातियों का संकलन है, तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष को, चाहे वो राजनीतिक हो या धार्मिक हो, किसी पे भी प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को यहाँ पर शासन में अवसर मिलना चाहिए, जैसे जैसे जो लोग योग्य हैं, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति संप्रदाय के हैं, तो उनको शासन में मौका मिलना चाहिए, जिससे लोगों में रोष या संतुष्टता की भावना पैदा ना हो। मान लीजिए कुछ लोग योग्य होकर भी उनको मौका नहीं दिया जाता है, तो उससे उनमें रोष उत्पन्न होता है या प्रतिशोध उत्पन्न होता है, प्लस उस वर्ग के लोगों में भी प्रतिशोध उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके स्थान पर भी जो योग्य व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष धर्म के हों, सभी को शासन में मौका दिया जाना चाहिए। तो ये सुशासन के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उनमें से कुछ चुनौतियां थी। अब हम जानेंगे भारत में सुशासन के पहलकारी कदम। देखिए सुशासन ने कौन कौन से ऐसे पहलकारी कदम यहाँ पे बढ़ाए हैं कि जिससे शासन के लिए और यहाँ की जो जनता है उसके लिए लाभ हुआ है। तो उसमें नंबर एक में आएंगे हम, 73वें एवं 74वें। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता बढ़ाना, मतलब 73वें पंचायती राज और ये नगर निगम, 74वें संविधान संशोधन, इसमें लोगों को
शासन में भागीदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। जैसे आजकल हम देखते हैं कि भाई गांव में जो ग्राम प्रधान होता है तो वो भी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभाता है। पहले लोगों में राजनीति के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन राजनीति अब गांव में उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ फिर विधायक, ब्लॉक प्रमुख, ये इस हिसाब से फिर आदमी उच्च लेवल तक पहुंच जाता है। तो हमें कहीं ना कहीं शासन की उत्तरदायित्व निभाने का मौका दिया जा रहा है, जिससे लोगों में अपने उत्तरदायित्व निभाने की क्षमता का विकास हो रहा है। वो उत्तरदायित्व कैसे निभाना है सामाजिक क्षमता को देखते हुए वो इस बात को तय करते हैं। दूसरा इसमें आता है अधिकार संबंधी विभिन्न वैधानिक निकायों का गठन किया गया। देखिए विभिन्न वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं, दूसरे ये विभिन्न विभिन्न आधिकारिक निकायों का गठन किया गया, निकायों का गठन किया गया। अब कौन कौन से वो निकाय हैं जिनका गठन किया गया? नंबर एक में आता है राष्ट्रीय राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। दूसरा आ जाएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992। तीसरा इसमें आ जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो इसमें देखिए ये आयोग गठित किए गए, राष्ट्रीय महिला आयोग। मान लीजिए राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों गठित किया गया, क्योंकि जो महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए कि इसके लिए एक पर्सनल आयोग गठित किया है, जिससे वो इनके संरक्षण में भूमिका निभा सके। चाहे वो राज्य स्तर पर, आप देख सकते हैं कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर, उसके साथ साथ राज्य स्तर पर भी महिला आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें उनकी महिलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण कार्य भूमिका है, और इससे उनके विभिन्न अधिकार और संरक्षण में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो उनके हित को ध्यान में रखकर कि भाई ये महिलाओं के लिए लाभकारी होंगे। दूसरा आता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ये भी 1992 में बना। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का मतलब जो यहाँ पर लोग रहते हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो ना तो राजनीतिक रूप से सक्षम है कि अपना उत्तरदायित्व निभा सके मान लीजिए, और ना ही आर्थिक या शैक्षिक रूप से काफ़ी मतलब सक्षम नहीं है, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक अलग से आयोग बनाया गया कि भाई इन लोगों का भी विकास किया जाए और इनके जो अधिकार हैं ये निश्चित किए जाते हैं कि इनका अगर उत्पीड़न होता है तो ये आयोग उनकी देखरेख करेगा। तो उन लोगों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना की गई। अब तीसरा आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना क्यों की गई, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिनके अधिकारों का हनन हो रहा था। मान लीजिए यहाँ पे जबरदस्ती श्रम कराना, या जो एक निश्चित एज है बाल श्रम कराना बच्चों से, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की कि जिससे व्यक्तियों का जो श्रमिक शोषण ना हो सके, उनको एक निश्चित घंटे काम के तय किए गए कि भाई इतने घंटे काम करना है, और उनके लिए एक निर्धारित उम्र तय की गई कि भाई 18 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे,
और एक निर्धारित वेतन भी उनके लिए निर्धारित किया गया कि भाई इतने समय आप काम करेंगे तो आपको निश्चित इतनी धनराशि मुहैया कराई जाएगी वेतन के रूप में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इसके अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि समाज में जीने के लिए, आवागमन के लिए, या मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछताछ करता है या जबरदस्ती करता है आपके साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी, तो उसके लिए अधिकार बनाए गए हैं कि भाई आप उस व्यक्ति को, ये उसका अधिकार है, इस तरीके से आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। ये भी नियम बना दिया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर, मान लीजिए पुलिस जाकर उसका इंक्वायरी करती है घर में कि भाई आपके यहाँ क्या क्या है, तो ये राइट आपका भी है कि पहले आप उनको भी खंगालिए, कहीं वो अपने साथ कोई गोपनीय चीज़ रखकर और ले जाकर आपके यहाँ आपको आरोपी दोषित ना कर दें, क्योंकि ये अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार ने दिए कि भाई आप अगर दूसरे के यहाँ सर्च करने जा रहे हैं तो आप खुद भी सर्च दीजिए। तो इन चीज़ों को लेकर हालांकि समाज में ये चीज़ें अभी बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, फिर भी पहले की अपेक्षा अब लोगों में जागरूकता या अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता देखी गई है, जिससे देखा जा सकता है समाज में। इसके अतिरिक्त आते हैं हम प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया 1998 में। देखिए प्रशासनिक कार्यों की जो शासन द्वारा किए जाते हैं तो उसमें भी दक्षता उत्पन्न करने के लिए, सक्षम बनाने के लिए 1998 में एक आयोग की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट आता है कि भाई केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भारत सरकार का, तो उसको 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके माध्यम से सुशासन के लिए एक पहलकारी कदम उठाए गए कि भाई संवैधानिक, पहले संविधान में उनको दर्जा नहीं था लेकिन उसको 2003 में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। फिर लास्ट में आता है कि 26 जुलाई 2014 को तो सुशासन के लिए नागरिक सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने मेरी सरकार नामक एक पहल की, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति अपने विचारों को सरकार तक पहुंचा सके, मेरी सरकार। क्योंकि मान लीजिए कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं कि हम जनता से अपनी राय मांगते हैं कि भाई आप अपनी राय दीजिए, हो सकता है कि उसमें विभिन्न लोगों द्वारा अपनी अपनी राय प्रकट की जाती है, तो कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा सोचते हैं तो उनकी जो सोच है उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए ये मेरी पहल, मेरी सरकार नामक पहल की गई। दूसरा ये है कि देखिए सुशासन हमने बताया कि आज का विषय नहीं है, पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सुशासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। मतलब कि भाई आप अच्छे कार्यों के लिए, अपने जो नैतिकता है उसको बनाए रखने के लिए उनके जन्म दिवस को मनाया, क्योंकि आप जब, क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे वो ईमानदार और नैतिकता के एक मिसाल थे, तो उनको, लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप भी पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से प्रेरित हों और उनके कामों को ध्यान में रखते हुए आप भी ऐसे काम करें जो देश के हित में हों। जैसा कि सुशासन के बारे में आप लोगों को अवगत कराया गया कि सुशासन क्या है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर लाभदायक होगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।